छोटा सैंपल लगा रखा है हमने, लाइक बेकरी एंड आइसक्रीम में यूज होता है जी। हो गया, अगर किसी को किसी और ब्रांड का चाहिए तो आप डिजाइन करके पेस्ट लेके होता है। अच्छा, डिफरेंट कैटेगरी मटका कुल्फी मेडिडाल को जाता है, जिसमें ऊपर पेपर बैग से मिल्क और फ्लेवर सारी चीजें मिक्स होती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ वर्ल्ड आइसक्रीम एक्सपो 2024, जो कि लगा हुआ है नोएडा में। और यहाँ पर आने के लिए आप कैसे आ सकते हो, क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिलने वाले, कैसे आप एंट्री कर सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। ये एक्सपो जो लगा है ये लगा हुआ है नोएडा सेक्टर 62, और यहाँ पर आने के लिए जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो है नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी। एंट्री एकदम फ्री है, यहाँ पर आके आप रजिस्टर कर सकते हो, अदरवाइज आप ऑनलाइन भी रजिस्टर कर सकते हो। 3 दिन का इवेंट है, आज से स्टार्ट हुआ है, नेक्स्ट 2 डेज तक ये चलने वाला, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। टाइमिंग होगी सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। फर्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ आहत इंडस्ट्रीज, और यहाँ पे आप देख सकते हो आपको फ्रीजर रूम मिलेगा। सो और देखते हैं यहाँ पे रेंज ऑफ स्टोरेज एक्सेलेंस सब चीज़ें हैं, मैम आपको एक्सप्लेन करें। हेलो मैम, मेन हमारा फ्रीजर रूम है, उसको यूज़ किया जाता है आपके प्रोडक्ट्स को एक टेम्परेचर के रेंज में स्टोर करने के। ओके ओके, अभी मार्केट में आप जो भी यूज कर रहे हो, फूड्स हो गए, आपके आइसक्रीम हो गए, नॉनवेज प्रोडक्ट्स हो गए, सब कुछ आपका स्टोर होके फिर आपके पास पहुँचता है, घर में पहुँचता है। सो इसमें हम स्टोर कर सकते, स्टोर करने के लिए फ्रीज यूज़ करते हैं, बट बड़े लेवल पे अगर हमें स्टोर करना है सामान को तो ये रूम्स बनते हैं उसके। ओके, इसका एक छोटा सैंपल लगा रखा है हमने, ये फ्रीजर रूम है, -80 to -25 कवर करेगा। ओके ओके, सेम ऐसा प्लस में भी जाता है अपना 2 से 10 के टेम्परेचर। ओके, सो आपका बिजनेस कार्ड होगा? या मैं आपको इनका बिजनेस कार्ड शेयर कर देती हूँ। सो ये इनका बिजनेस कार्ड है, अगर आप कॉन्टेक्ट करना चाहो तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, सारी डिटेल्स प्रोवाइडेड है। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ मेवा बाइट प्रीमियम ड्राई फ्रूट्स, और यहाँ पे आपको इस टाइप के ड्राई फ्रूट्स का कलेक्शन देखने को मिलेगा, और इसके बारे में डिटेल आपको सर प्रोवाइड करेंगे। हेलो सर। हेलो मैम। सर व्हाट इज ऑल अबाउट मेवा बाइट? बेसिकली अपना आरबी ग्रुप है, ठीक है, तो हमारा आरबी ग्रुप में 3 कैटेगरी, एक है गुलाल कॉक ब्रांड, देन हीम आरबी हीम, एंड देन थर्ड कैटेगरी मेवा बाइट इन ड्राई फ्रूट्स। ओके, सो दीज आर आर प्रोडक्ट्स, ये फ्लेवर्ड नट्स हैं हमारे। ओके, ये सारे इसमें आपका बेसिकली चॉकलेट है, पिस्ता है, रोज है, और आपका ये मैंगो केसर, ये सारे फ्लेवर्ड नट्स हैं। ओके, देन फिर हमारा ये लाइक बेकरी एंड आइसक्रीम में यूज होता है, जिसमें कि ये सीड्स हैं। ओके, और ये सारा आलमंड कटिंग है हमारा। अच्छा, ठीक है, ये सारा। ओके, और ये ड्राइड फ्रूट्स हैं, ये बेसिकली बेकरी एंड आइसक्रीम में यूज होता है। यूज्ड होते हैं। ओके, सो आपका बिजनेस कार्ड होगा अगर किसी को आपसे कांटेक्ट करना। हाँ हाँ, मैं दिखाता हूँ। ओके, सो ये सर का बिजनेस कार्ड है, अगर आप कांटेक्ट करना चाहो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। मेवा बाइट के नाम से इनके स्टॉल से, और आपको इस टाइप का कलेक्शन इनके पास देखने को मिलेगा। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ कार्ड स्टूडियो, और यहाँ पे ना आपको इस टाइप के कार्ड देखने को मिलेंगे, और इनके बारे में ब्रीफ आपको मैम प्रोवाइड करेंगे। हेलो मैम। हाय मैम, आप बताओ कि अपने ब्रांड के बारे में, अबाउट द कलेक्शन एंड अबाउट द प्रोडक्ट्स। मैम, हम कार्ड स्टूडियो है, टोनिका सिटी में बेस्ड है कंपनी, यूपी गाजियाबाद में। ये हमारे पार्लर ऑन द व्हील्स हैं, कि ये फ्रीजर है आपका, पार्लर ऑन द व्हील्स में यूज होते हैं। ओके, और आपका ये पूरा सेटअप जो है ओनली एंड ओनली 70,000 प्लस GST में। ओके, 70,000 प्लस GST। ओके, ये वाला भी 70,000 प्लस GST है। ओके, और ये भी also, ये वाला सेम तीनों का सेम प्राइस। ओके, एंड व्हाट अबाउट दिस वन? ये 1,35,000 प्लस GST का है। ओके, सो लाइक अगर आपको किसी, मतलब जैसे कि ये तो नमस्ते इंडिया का हो गया, अगर किसी को किसी और ब्रांड का चाहिए तो वो आप डिजाइन करते हैं जी? ओके, एक्चुअली में ये कंपनीज ने बनवाई हुई है ऑलरेडी, तो इसमें जो भी आपका जो भी नीड रहेगा एज पर वेंडर एज पर कंपनी वो चीजें कस्टमाइज हो जाती है। okay, बन जाती है। ओके, कस्टमाइज आप कर दो, ये उनके हिसाब से बना है, आप लोगों का जो नीड होगा वो बन जाएगा। और भी है, ये पुश कार्ट है आपका, इसमें पुश करके फ्रीजर अच्छा, यहाँ पे लोड हो जाता है। हाँ, हाँ, पुश करके, इसमें कोई बैटरी वगैरह नहीं है और अदर भी नहीं है, इसे खींच के ले जाना पड़ेगा कहीं भी अगर इसको यूज करना है तो। बाकी इसमें बैटरीज यूज हो रही है, लिथियम लेड एसिड बैटरी यूज हो रही है, ठीक है, और
ये सारा ब्रांडिंग वगैरह जो है एक्स्ट्रा रहता है इसका। ओके। 1,35,000 में सिर्फ ये कार्ड का है पोर्शन जो आपका। अच्छा, है। ये कार्ड का है। ठीक है, ठीक है। और ये आप देख सकते हो, ये इनका कार्ड है, अगर आपको कॉन्टेक्ट करना हो तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, सारी डिटेल्स इस पर प्रोवाइडेड है। तो जैसे अगर आप किसी को कस्टमाइज कराना हो, कितना टाइम लगता है एक कार्ड को रेडी करने में? 10 to 11 days। 10 to 11 days एज पर योर नीड। अगर आपका नीड कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, सेम जो हम लोगों का बन रहा है, तो 5 to 6 days में हो जाता है, ठीक है। मगर मिनिमम हम लोग, मैक्सिमम हम लोग 10 to 11 days लेके जाते हैं। ओके ओके ओके, थैंक यू मैम। बस आपको ना यहाँ पे एक की वाली बोल्टास का भी स्टॉल दिख जाएगा, टाटा प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे आपको फ्रिज और फ्रीजर ये सब चीज़ें देखने को मिलेगा। जैसे ये इनका मिनी प्रोडक्ट्स है, और ये वाले भी देख सकते हो आप, और प्लस आप ये हार्ड टॉप वाले फ्रीज़र भी देख सकते हो। तो इस टाइप के आपको फ्रीज़र मिलेंगे, और इधर आप देख सकते हो आपको ग्लास वाला फ्रीज़र देखने को मिल जाएगा। ये सारा इनका कलेक्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। सो नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ मनाया शॉल, और यहाँ पे आपको फूड इंग्रेडिएंट और बेकिंग प्रोडक्ट्स का सामान देखने को मिलेगा, लाइक उस सब के प्रोडक्ट्स आप देख सकते हो। और इसके बारे में आपको ब्रीफ सर प्रोवाइड करें। हेलो सर। हेलो सर, आप बताओगे अपने ब्रांड और अपने कलेक्शन के बारे में? मेरा नाम राहुल घोष है। ठीक है। वी आर फ्रॉम वेस्ट बंगाल कलकत्ता से। हम लोगों का कंपनी का नाम राघव चॉको एक्सपोर्ट। ठीक है। ब्रांड नेम मान नया। ओके। हम लोग डील करते हैं बेसिकली आइसक्रीम इंडस्ट्री में। ठीक है। हम लोगों का मान्या का ब्रांड में चॉकलेट चॉको पेस्ट है, व्हाइट पेस्ट है, स्ट्रॉबेरी पेस्ट है, मैंगो पेस्ट है। ओके। और चॉको चिप्स है, बटरस्कॉच नट है, ये सब लेके हम लोग डील करते हैं पूरा। ठीक है। पूरा इंस्टेंट जोन में हम लोगों का काम होता है। अच्छा। हम लोग सेलेस्टी ब्रांड सब ब्रांड में हम लोगों का बड़ा बड़ा बिग ब्रांड में हम लोगों का काम होता है, मेनली हम लोग इंडस्ट्री लेवल में काम होता है। ओके। बाकी कुछ रेगुलर यूज के लिए चॉकलेट सॉस, कस्टर्ड पाउडर भी है। ठीक है। मेनली हम लोगों का काम ज्यादातर चॉको पेस्ट लेके होता है। अच्छा अच्छा। चॉको पेस्ट, व्हाइट पेस्ट। ओके। बटरस्कॉच नट भी है, और कुछ कलर पेस्ट भी है जो हम लोगों का अभी बहुत चलते वाला कस्टम प्रोडक्ट है, तो कलरफुल आदमी मांगता है, उसे टेस्टफुल भी है और कलर भी है, दोनों मिक्स है। ठीक है। सो आपका बिजनेस कार्ड होगा, ये आप शेयर कर सकते हो। सो ये आप देख सकते हो, ये सर की बिजनेस डिटेल है, अगर आप कॉन्टेक्ट करना चाहो तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सो नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ ग्रूम लेमिनेटर कंपनी, और यहाँ पे आप इस टाइप की पैकेजिंग देख सकते हो, काफ़ी सारे ब्रांड्स के लिए उन्होंने वर्क किया है, और डिटेल आपको सर प्रोवाइड करेंगे। हेलो सर। हेलो सर, कैन यू एक्सप्लेन समथिंग अबाउट द ब्रांड एंड अबाउट द कलेक्शन? We work in the name and style of Guru Laminators. We are converters. Okay. We make pouches in roll form, in pouch form, of different categories, different raw materials. Okay. We supply cater to ice cream industry. Okay. So that is basically we are here for. Okay. Okay. Yeah. So can I get your business card? Yeah, definitely business card. ओके। सो मैं आपको सर का बिजनेस कार्ड दिखाती हूँ। सो ये सर का बिजनेस कार्ड है, अगर आप कॉन्टेक्ट करना चाहो तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, इनकी सारी डिटेल्स प्रोवाइडेड है, और ये इस टाइप की पैकेजिंग में डील करते हो तो आप देख सकते हो। एक आप ये वाली स्टॉल भी देख सकते हो, यहाँ पे आपको फूड इक्विपमेंट मिलेगा, जैसे कि आप कोन वाली आइसक्रीम होती है ना, सो ये सारे इक्विपमेंट आप देख सकते हो यहाँ पे, ये सारा आपको मिल जाएगा। चॉकलेट्स होती हैं शेप्स वाली, तो ये सारा कलेक्शन आप इनके पास देख सकते हो। सो नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेश मार्क एक्सपोर्ट स्टॉल, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनकी कंपनी किस किस कैटेगरी में डील करती है। तो आपको ना इस टाइप की ये मटका जो होती है ना, मटके वाली या हंडी वाली जो बोलते हैं, ये सब चीज़ें इनके पास आपको आइसक्रीम से मिलेंगी, जार वाली आइसक्रीम, और इन सब के बारे में आपको सर डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। हेलो सर। सर आप बताओगे अपनी कंपनी के बारे में, अपनी आप किस किस कैटेगरी में डील करते हो? हमारी कंपनी फ्रेश मार्क एक्सपोर्ट खुर्जा यूपी से। हमारी मैन्युफैक्चरिंग है जार्स में, मटका कुल्फी मेडी डाल को जाता है हमारे, और मटकी सेरेमिक प्रोडक्ट है। ओके। ये आइसक्रीम बाउल है, ये उसमें यूज होता है आइसक्रीम के लिए, आप सिरप वगैरह इसमें सर्व कर सकते हैं, और आइसक्रीम पार्लर में सर्विंग के लिए यूज़ किया जाता है, शोपीस के लिए भी यूज़ होता है। ओके। सो ये सब आपका कलेक्शन है, और ये वाला जार के लिए है ना? जी जी जी, ये जार। ठीक है। आपका बिजनेस कार्ड होगा, लाइक समवन वांट टू कांटेक्ट विद यू? हमसे कांटेक्ट
सेक्टर इन सब प्रोडक्ट में डील करते हैं। होटल वेयर, क्रॉकरी, टेबल वेयर, कस्टमाइजेशन, ब्रांडिंग, लोगो। ओके, सो ये आप इनकी कैटेगरी देख सकते हो, इन कैटेगरीज में ये डील करते हैं एंड ये इनके बिजनेस डिटेल्स हैं। अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, सारी डिटेल्स इसमें प्रोवाइडेड है। और यहाँ पे आप इनकी स्टेज भी देख सकते हो, लाइक यहाँ पे कोई भी इवेंट वगैरह होते रहते हैं यहाँ पे आपको स्टेज मिल जाएगा। और पीछे आप सिटिंग एरिया देख सकते हो और इसके पास ही आपको फूड कोर्ट भी मिल जाएगा, छोटा सा फूड कोर्ट है यहाँ पे, तो आप फूड स्टॉल्स देख सकते हो और ये यम्मी यम्मी फूड आप टेस्ट कर सकते हो। ये फूड स्टॉल्स और कैटेगरीज भी आप देख सकते हो आपको कौन कौन से फूड यहाँ पे मिलने वाले। सो नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ ये वाली स्टॉल और इसका नेम है इमेजिनेटिव पिक्सर पैक। और यहाँ पे आपको इस टाइप की पैकेजिंग देखने को मिलेगी। सर आपको बताएंगे इसके बारे में। हेलो सर। हेलो सर, आप बताओगे अपने ब्रांड, अपनी कंपनी के बारे में। हमारी कंपनी का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है पैकवेल। ओके। और हमारी कंपनी का नाम है इमेजिनेटिव फ्लेक्सी पैक्स लिमिटेड। ओके। हम 1981 से पेपर बेस्ड डिस्पोजेबल पैकेजिंग्स में हैं। हम लगभग आइसक्रीम इंडस्ट्री, QSR इंडस्ट्री, बेकरी, कॉन्फेक्शनरी और जितने भी फूड आइटम से रिलेटेड इंडस्ट्री है ये सब के लिए पेपर पैकेजिंग बनाते हैं। साहिबाबाद में और बागपत में हमारे दो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। और हमारा लगभग 600 तरीके की अभी हम डिफरेंट पैकेजिंग बना रहे हैं जो सारी पेपर बेस्ड हैं। हमारा सारा मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन अंडर वन हेड है। हम पार्टी से पूछते हैं उसे क्या चाहिए, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है रिगार्डिंग डिज़ाइन, फाइनल प्रोडक्ट, टेक्निकल डिटेल्स, और उसके हिसाब से हमारा अपना स्टूडियो है, वहाँ पर सारी डिज़ाइनिंग, प्रोसेसिंग, प्रिंटिंग अप टू डिलीवरी हम पूरा का पूरा काम करते हैं। वन स्टॉप शॉप जहाँ पर हमारे कस्टमर को उनकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से जितनी भी पेपर पैकेजिंग उन्हें चाहिए उनकी टेक्निकल डिटेल्स के हिसाब से सारी पैकेजिंग समय से और बहुत अच्छी क्वालिटी के मिलती है। ये बिजनेस 1981 से हमने शुरू किया हुआ है और ऑल ओवर इंडिया एंड अब्रॉड हमारे अप्रोक्सीमेटली 1000 से ज़्यादा सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं। नॉर्थ में जितने भी लीडिंग ब्रांड्स हैं आप देख सकते हैं, कुछ स्टॉल्स पे डिस्प्लेड हैं, वो सारे के सारे ब्रांड्स यहाँ हैं और सारे बहुत सारे ब्रांड्स ने हमें विजिट भी किया है। और जितने गवर्नमेंट के सर्टिफिकेशंस हैं रिगार्डिंग फाइनेंस, रिगार्डिंग लेबर, रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस, रिगार्डिंग PFA, रिगार्डिंग फूड पैकेजिंग, कंपनी के पास में वो सभी सर्टिफिकेशंस हैं। और हम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर उन्हें पेपर पैकेजिंग से रिलेटेड, पर्टिकुलरली वो पेपर पैकेजिंग जो फूड से रिलेटेड है, उसके रिलेटेड कोई भी रिक्वायरमेंट है हमें कॉन्टेक्ट करें। एक हमने बिल्कुल नई लाइन शुरू की है जो कैरिंग सॉल्यूशंस की है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये कैरिंग सॉल्यूशंस की लाइन है जिसमें ऊपर पेपर बैग्स हैं। हल्दीराम हमारा वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट कस्टमर है यहाँ। इसके साथ में हमारे यहाँ पर भी लगभग 1000 कस्टमर्स हैं जिसमें हमारे पेपर बैग्स हैं, फूड बैग्स हैं, लिफाफा है, रैपिंग शीट्स हैं, सारे प्रोडक्ट हैं। ये सब कैरिंग सॉल्यूशंस हैं। यानी ये केवल आइसक्रीम लाइन के लिए नहीं है, कोई भी लाइन जिसमें इसकी रिक्वायरमेंट है, चाहे वो गारमेंट इंडस्ट्री है, चाहे वो शू इंडस्ट्री है, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री है, उस सब के लिए इनके रिक्वायरमेंट्स हैं। तो बेसिकली हमारे तीन सॉल्यूशंस हैं। पहला सर्विंग सॉल्यूशन रेस्टोरेंट के अंदर है तो उसे क्या चाहिए सब मिल जाएगा। अब भी दूसरा है टेक अवे, यानी अगर पार्सल सर्विस के लिए है तो पार्सल सर्विस के लिए सारे सॉल्यूशंस हैं। तीसरा कैरिंग, जब प्रोडक्ट पैक हो गया तो उसे पेपर बैग चाहिए, लिफाफा चाहिए और सब चीज़ें चाहिए, तो कैरिंग सॉल्यूशंस, कंप्लीट सॉल्यूशन। तीनों ही तरीके के सॉल्यूशंस हमारे पास में अंडर वन हेड अवेलेबल। ओके ओके। एंड ये सर की बिजनेस डिटेल है, अगर आप कॉन्टेक्ट करना चाहो तो सर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ डायमंड इंजीनियरिंग वर्क्स और यहाँ पर आप इस टाइप की मशीनरीज देख सकते हो और डिस्क्रिप्शन आपको सर प्रोवाइड करेंगे। हेलो सर, सर आप बता सकते हो अपनी मशीन पीस के बारे में, अबाउट योर कंपनी एंड अबाउट योर सेल्फ। ये डायमंड एवर्क कंपनी ग्रेटर नोएडा में बेस्ड है। ठीक है। हम लगभग 30 ईयर से आइसक्रीम इंडस्ट्री के लिए प्लांट और मशीन की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। हमारे मशीन है ऑल ओवर इंडिया और इंडिया के बाहर भी एक्सपोर्ट होते हैं। ठीक है। हमारी क्वालिटी वर्ल्ड फेमस है। अभी तक हम इंडिया और इंडिया के बाहर 300+ प्लांट लगा चुके हैं और
हमारा जो अपना कस्टमर बेस होता है, जो कस्टमर रिक्वायरमेंट के हिसाब से मशीनें बनाते हैं, ठीक है, हमारी मशीनों में जो बेस्ट क्वालिटी मटेरियल इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल करते हैं। इसमें ऐसे 304 होता है हमारे, और जो इलेक्ट्रिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटर कंपनी के होते हैं, कंप्रेसर रेफ्रिजरेटर सिस्टम सारा इंस्ट्रक्टर कंपनी का होता है, इसलिए हमारे मशीनों की हमेशा डिमांड बनी रहती है। हम कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अनुसार भी R&D करके मशीनें बनाते हैं, तो जो मशीनें उसके रिक्वायरमेंट पे काम आए वो मैं मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। डायमंड कंपनी आगे से अपना केवल मशीन ही बेची, हमारा एक बेस है कस्टमर का बिजनेस सेट कराना, इसके लिए हमने अपनी कंपनी में एक पूरा प्लांट सेटअप किया हुआ है जिसमें हम उसको आइसक्रीम की ट्रेनिंग देते हैं, मशीन चलाने की ट्रेनिंग देते हैं, कहाँ से रॉ मटेरियल मिलेगा, कहाँ से पैकिंग मटेरियल मिलेगा, मार्केटिंग कैसे करनी है, आप स्टोरेज कैसे करने हैं, बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, ये सारी फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है अपने कस्टमर के लिए। ओके ओके, तो वो सेटअप हमारा कंपनी के अंदर मौजूद है। ठीक है, और अभी मैं थोड़ा सा अपने प्लांट और मशीनों के बारे में बता देता हूँ। ये हमारा 500 लीटर का पूरा सेटअप है आइसक्रीम प्लांट का, इसको पैस्टराइजर मशीन कहते हैं। इसमें मिल्क और फ्लेवर सारी चीजें ना मिक्स होती है, ये गर्म होता है, ठीक है, 85 डिग्री पे ये मिक्स को गर्म करता है। गर्म करने के बाद पंप के थ्रू ये होमोनाइजर जाता है, ठीक है, होमोनाइजर जो भी हमने उसमें पार्टिकल डाले हैं उनको पूरा मिक्स करके और पूरा आगे पास करता है। ये हीट एक्सचेंजर जो 85 डिग्री पे हमने उसको हीट किया था, इसको एक्सचेंज करके 35 डिग्री पे इसमें लाता है। अच्छा, ठीक है, ये मशीन का नाम है एजिंग पैन। ओके, इसको लगभग 4 डिग्री तक एजिंग करना होता है, और एक 4 से 5 घंटे इसको एजिंग करने के बाद ये रेडी मिक्स होता है आइसक्रीम बनाने के लिए। ठीक है, इसके बाद एक फ्लेवरिंग देंगे जो हम यहाँ पे फ्लेवरिंग करते हैं। ठीक है, फ्लेवर टैंक। फ्लेवरिंग होने के बाद ये हमारा कंटिन्यू फीचर आइसक्रीम फीचर। अच्छा, ठीक है, इसमें आइसक्रीम बनती है, इसमें बनती है। ओके, इसमें बनती है, आइसक्रीम निकलती है। ठीक है, ये आइसक्रीम को पैक करने के लिए फिर पैकिंग मशीन भी है हमारे पास। ओके, आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सेटअप है। इसका करंट इसमें कर देंगे तो 3000 पर आवर पैक कप एंड कोन दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ तक कंप्लीट सॉल्यूशन होता है। ओके, इसके अलावा हमारे पास ये कैंडियो कुल्फी मशीन भी है। ओके, ये भी 2500 पीस पर आवर की है हमारी। अच्छा, 2500 पीस पर आवर, बहुत ज़्यादा। ये कैंडियो कुल्फी की 2500 पीस पर आवर की है, इसकी पैकिंग मशीन ये है। ठीक है, ये इसकी पैकिंग। तो हम अपने क्लाइंट को कंप्लीट सॉल्यूशन देते हैं। ठीक है, और इसीलिए हमारा रेगुलर डिमांड बढ़ता जा रहा है। ओके, नाइस। सो आपका बिजनेस कार्ड होगा आपका, अगर किसी को आपसे कांटेक्ट करना हो तो आपका बिजनेस कार्ड, आप अपना शेयर बिजनेस कार्ड शेयर करोगे आप अपना? बिजनेस से मैंने 93 में स्टार्ट किया था, थोड़ी एक छोटी मशीन है, जिस मशीन का नाम है चंदर। ठीक है, चंदर एक बेसिक मशीन होती है जिसमें आइसक्रीम बनाते थे। अभी चंदर से डेवलप करते करते अपने कंप्लीट प्लांट पर पहुंचे, लेकिन चंदर की डिमांड आज भी कम नहीं है। चंदर आज भी हमारे यहाँ बनता है, और चंदर लगभग 2000 चंदर पर ईयर आज भी बनते हैं हमारे। तो चंदर एक सेपरेट प्रोडक्ट है। चंदर से शुरुआत करके हम कंप्लीट प्रोजेक्ट पे आए जिसमें आइसक्रीम के प्लांट और मशीन सारे बनते हैं। ठीक है, बिजनेस कार्ड आप अपना शेयर कर दो, अगर किसी को आपसे कॉन्टेक्ट करना हो तो कैसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं? कार्ड आपका, कार्ड, हाँ, अगर मेरे से कोई कॉन्टेक्ट करना चाहता है तो मैं SS चौहान, मेरा नंबर है 8130896353। ओके, माय सेल्स मैनेजर गर्मा, उसका नंबर 9212308916। ओके, थैंक यू सर। ये सर का कार्ड है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बाकी सर ने आपको कांटेक्ट नंबर तो बता ही दिया, अगर आप चाहो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ LM Pro, और यहाँ पे आपको कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एक्सपर्ट की सारी चीज़ें मिल जाएगी। और सर से बात करते हैं, सर से पूछते हैं सर के बारे में और अबाउट द कंपनी। हेलो सर, सर कैन यू एक्सप्लेन अबाउट द कंपनी एंड अबाउट द कैटेगरी जो आप डील करते हो, जिस कैटेगरीज में? मैम बेसिकली वी आर इनटू कमर्शियल रेफ्रिजरेशन दैट डील्स इनटू कोल्ड सिस्टम, and then we are into Horeca segment also. It's a 15-year-old company, and I have my senior person Mr. Manoj. He takes take the key account plus export. Okay. And the products range we are having a basic coolers from 750 liters to 1500 liters. Oh. 50 liters to 1500.
liter. We have easy coolers. We have chest freezers from 50 liters to 800 liters. Okay. Then we have a Horeca segment. In Horeca segment, we have a static cooling, ventilated cooling. In ventilated, we have a SS430 grade or SS304, which is 100% food grade. Okay. Mostly it is used in the hotel segments. Okay. After that, we have a pharma solutions in which we will supply the plus 4 to minus 86 machines. Okay. So, can I get your business card? Your business card. We are into cold room also. We have introduced cold room. We have entered into a vending system that everything is computerized. You have to just scan the thing and you get whatever you want. We have into ice cream machines. Okay. Freezers also, in which you get the ice creams also. Now in vending machines, you get the ice cream also. Okay. So we are into that also. Okay. So ये सर का business card अगर आप contact करना चाहो तो आप contact कर सकते हो. सारी details इसमें provided है. फ्रेंड्स होप आपको अच्छी वीडियो पसंद आई हो, काफी डिटेलिंग वीडियो होगी. वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना और जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो. जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय.